हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो आज वेनसडे और मैंने शाम से इवनिंग रूटीन जो दिखाई है, तो ये स्नैक्स बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग बना रहे हैं मोमोज, क्योंकि दिन में सुबह मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, जल्दी खाना बना लिया था, तो इसलिए ना भूख लग गई थी हम लोगों को। तो सोचा कि चलो शाम को ही कुछ अच्छा सा कुछ नाश्ता बना लिया जाए। तो डिंकी बोल रही थी कि मोमोज, क्योंकि रिक्की बोल रहा था मैंने मोमोज मुझे अच्छे नहीं लगते, कभी खाए नहीं, तो मैंने कहा चलो बना लेते उसके लिए। बाकी सब खाए लेकिन मोमोज मैंने नहीं खाए। तो डिंकी बोल रही थी चलो मैं बनाती हूँ, तो डिंकी ने ये मोमोज बना लिए। और ये सब्ज़ी देखिए पत्ता गोभी की, कितनी अच्छे से ये कर रहे हैं हमें। और उसके बाद है ना ये पत्ता गोभी का डाल देंगे, ये देखिए कितनी बारीक, मतलब ये मैंने चॉपर में बारीक की थी। तो बस यही हम लोगों का आज का नाश्ता था शाम का, तो इवनिंग व्लॉग था ये हमारा। और उसके बाद फिर हम लोग सब खा लेंगे। फिर मैं अपने कस्टमर भी आ गए थे तो उसमें चली गई थी, तो फिर डिंकी थोड़े से बना बना के ये कर रही थी, क्योंकि मेरे ना शाम को ही कस्टमर आते हैं, तो डिंकी बना रहे और उसमें बना ये कर रही थी। तो यही कुछ हम लोगों का आज का ये था। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को है ना सपोर्ट कीजिए, और मैं बहुत से लोगों को हेल्प मांग रही लेकिन कोई मेरे हेल्प नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। कोई कोई तो पेमेंट मांग के भी, मतलब पहले बोल रहे हैं कि पेमेंट करो उसके बाद हम आपके हेल्प करेंगे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी इसमें, तो ऐसा है। तो चलो ये देखिए, छोड़ दीजिए, जो होगा होगा मेरे चैनल से, लेकिन मैं वीडियो तो डालती रहूँगी जब तक है तब तक। तो यहाँ पर मैं ना अपना मोमोज मतलब नाश्ते के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यह मैं लंबी क्लिप इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, बस इतना ही कुछ बनाया था। तो बस यही चल रहा है और कुछ ही नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ गाइस, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। क्या गलती हो गई ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन लगता है कि मतलब समय दिया है 15 तारीख का, अभी मेल भेजने का है मुझे, तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या किया, कहाँ गलती हो गई। तो यही कुछ है, और मुझे कुछ अफसोस भी नहीं है क्योंकि उतने डॉलर भी नहीं बढ़ रहे थे, ऐसा है। ये देखिए फिर इसमें ना डाल देंगी, और इतने टेस्टी बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो डिंकी ने पहले सबको रिक्की वगैरह सबको चटनी, टमाटर की चटनी बना ली थी हम लोगों ने तीखी। तो आज फिर उसके बाद हम लोग है ना, मेरे कस्टमर आ गए थे तो मैं चल पास डिंकी और मैं बची थी, तो ये 7:30 बजे हम लोग ने खा लिया। फिर मुझे ना भूख नहीं थी, तो डिंकी को भी भूख नहीं थी, फिर हमने सिंपल सा डिनर बना लिया था पुलाव, तो सब ने खा लिया। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी खा रही थी, क्योंकि वो बना रही थी ना तो उसको खाने को समय नहीं मिला था, क्योंकि मेरे कस्टमर थे हेयर कटिंग वाले, तो इसीलिए वो। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? तो अभी हमने मोमोज खा लिए, मतलब इवनिंग से मैंने स्टार्ट कर दिया इवनिंग स्नैक्स से। तो मॉर्निंग में क्या है, सब लेट उठे थे, तो आज मैंने है ना बिल्कुल हम लोगों ने नाश्ता नहीं बनाया था, क्योंकि 10 बजे सब 10 बजे उठ गए थे, और मतलब बच्चे लोग, तो मैंने कहा कि अभी 10 बजे उठे फिर नाश्ता कब करोगे, खाना कब, और धूप से ना जल्दी ये हो जाता है, तो फिर हमने जल्दी डिनर बना लिया था, सॉरी लंच बना लिया था। तो लंच फिर हमारा 11 बजे तक हो गया था, तो भूख लग गई थी हम लोगों को, तो मैंने कहा चलो शाम के वक्त, ये रिक्की आया है ना वो मोमोज बोल रहा था कि मैंने मोमोज नहीं खाए, तो उसके लिए है ना मोमोज बनाए हम लोगों ने, फिर नाश्ते में मोमोज बनाए। तो कैसे मतलब अच्छे बने, डिंकी ने बनाए, अब वो तो एक्सपर्ट हो गई बनाने में, अब आजकल आलस भी करने लगी है, अभी उसके 10th में गई है, तो थोड़ा किचन में उसको कम रखेंगे, ऐसा है। तो ये अभी मैंने इवनिंग से स्टार्ट कर दिया माय इवनिंग रूटीन। तो ये और ये जो ये कुर्ता है ना, अंजलि जी को बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं डबल से आज और पहन लिया, और वो बोल रही थी कि ये अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है कोई तारीफ़ करता है ना किसी सूट से, वो वही वही पहनने का मन करता है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में। तो फिर ये देखिए हम लोगों का सिंपल सा डिनर, उसके बाद है ना हमने चावल बना लिए थे, देखिए कैसे बैठ गए एक साथ, क्योंकि स्पेस से कमी की वजह से एक लाइन से बैठ जाते हैं और वहीं पे सब खाना वाना, तो मुझे भूख नहीं थी तो मैंने नहीं खाई, तो मैं कहा चलो आपके साथ शेयर कर लिया जाओ सिंपल सा पुलाव।
पुलाव मतलब मैंने पुलाव ये जो सिंपल सा पुलाव ही बनाया था और मोमो जो बचे थे वो भी खा ले जिनको खाना था, क्योंकि जस्ट हमने 6-7 बजे खा लिए थे। तो आप गर्मी में जानते हो कि पानी पानी ये होता है, तो ये देखिए आपको दिख रहा है ना। और इनका तो रोटी के बिना बनता ही नहीं, चाहे वो चावलों की कुछ भी। तो इन्होंने थोड़ी सी रोटी भी बना मतलब खा ली। और ये देखिए ये लोग पुलाव खा रहे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और मैंने बाद में गाइस अभी है ना, अभी 10 बज चुके हैं और ज़्यादा कुछ नहीं हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है। और आज वेनसडे थे, 8 दिन हो गए मुझे मायके से आए हुए। और कल हम गए थे बर्थडे में, तो बहुत थक गए थे, तो जल्दी नींद आ रही है अभी अभी। तो अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है, बस पुलाव सिंपल सा। और आपने देखा कैसे लाइन से बैठे थे, तो इसी कमरे में टीवी है ना, इस कारण इसी कमरे में सब बैठे। उधर तो मैं आईब्रो वगैरह बनाती हूँ, तो कोई नहीं बैठता वहाँ पे। और इस कमरे में थोड़ा सामान वगैरह रहता था, यहाँ पे भी नहीं होता, तो यही इसी कमरे में हम लोग सब डिनर करने बैठते हैं। और बस यही है, और क्या बताएं, पता नहीं चैनल मेरा टिकेगा या ना टिकेगा, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, डॉलर बढ़ नहीं रहे, ऐड बंद हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो गाइज प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। वैसे 15 तारीख तक का ये मतलब अभी मेल करना है 15 तारीख को, तो ऐसा ही कुछ है। तो प्लीज़ मैं सबको मतलब सबको सपोर्ट मांग रही हूँ, हेल्प मांग रही हूँ, लेकिन जिन जिन को मैं ये कर रही हूँ मैसेज वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। कुछ लगता है मैं है ना यूट्यूब के लिए बनी ही नहीं हूँ, क्योंकि शुरुआत से ही इतनी टेंशन आ रही थी मेरे चैनल पे इतने, तो कैसे कैसे मैं आगे पहुँच ही गई। और बस यही है, व्यूज़ बढ़ नहीं रहे हैं, क्या करें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड कर देती हूँ गाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।